दिल्ली में एक बार फिर सर्द हवाओं का दौर शुरू। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दर्ज किया गया 4.7 से 3.4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान। 60 से अधिक देशों को वैक्सीन का निर्यात करेगी भारत बायोटेक। कंपनी ने कहा कि उसके सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन उसने कर ली है इसकी पूरी तैयारी। कंपनी का कहना है कि उसे अभी तक अमेरिका और कनाडा से मंजूरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और करेंगे शिलान्यास। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई सेक्टर से संबंधित है। देहरादून में पेट्रोल 93.73 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 86.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देहरादून में कल के मुकाबले पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को SDM के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग की है। भागलपुर में अपराधियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की, इस दौरान एक शख्स को गोली मारकर घायल भी कर दिया। बजट पूर्व विचार विमर्श के तहत आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे निर्मला सीतारमण। सूत्रों ने बताया कि बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। पिछली बैठकों के विपरीत ये बैठक आमने सामने की होगी। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा की घटना में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में अपने 5 सदस्यों को निलंबित कर दिया। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपलब्धियों की झड़ी लगाते हुए पेट्रोल के दामों में कटौती की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को सौगात देते हुए पेट्रोल के दामों में 26 जनवरी से 25 रुपए की कटौती करने का भी ऐलान किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फरार आरोपी कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से सुबह 4 बजे किया गिरफ्तार। रायपुर के SP प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक कालीचरण महाराज मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास होटल में रह रहे थे।